केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री शाह एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि पहली संगठनात्मक बैठक के लिए कोंडागांव गए हैं और उसके बाद जांजगीर में एक बड़ी सभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भाजपा जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी सरकार बने, इसका आगाज आज से ही छत्तीसगढ़ में हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है। ये पहले संगठनात्मक बैठक के लिए वो कोंडागांव गए हैं और उसके बाद जांजगीर में एक बड़ी जनसभा है, उसको माननीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यूं तो 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमको किसी पार्टी को हराने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हम भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम सदैव सक्रिय रहते हैं। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी की सरकार बने, इसका आगाज़, इसकी शुरुआत बस आज से छत्तीसगढ़ में हो गई है।